हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। टुडे वी आर गोइंग टू सी आवर न्यू ग्रामर टॉपिक, दैट इज वाइस। सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट एक्चुअल एक्टिव टू पैसिव वाइस, वी मस्ट नो अबाउट द व्हाट इज एक्टिव वाइस एंड व्हाट इज पैसिव वाइस। Now see, here is given the definition by me. Active voice. Active means what? When a verb form shows that subject has done something, it is known as active voice. For example, Sachin plays a cricket. It means जब verb आपको ऐसे दिखाता है कि subject कुछ कर रहा है, यानी कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट जो है वो कुछ करता है, जैसे कि सचिन यहाँ पर खेलने की भूमिका कर रहा है या क्रिकेट खेलने की भूमिका कर रहा है, तो ये आपका एक्टिव वॉइस होगा। तो एक्टिव वॉइस में आप सिंपल से ध्यान में रखना है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट, ये सब उसमें आता है, ठीक है। नाउ सी व्हाट इज पैसिव वॉइस। When a verb form shows that something has been done to the subject, अभी यहाँ पर देखो क्या फ़र्क है। जब verb हमें दिखाता है कि कुछ किया जा रहा है, for what? For the subject। और active voice में क्या था, जब verb आपको ऐसे दिखा रहा है कि subject कुछ कर रहा है तो active रहता है, और यहाँ पर active के अपोजिट है, जैसे कि सब्जेक्ट के लिए कुछ किया गया है तो वहाँ पर वो रहता है पैसिव वॉइस। जैसे कि अ क्रिकेट इज प्लेड बाय सचिन, यानी कि क्रिकेट सचिन के जरिए खेला जा रहा है, सचिन खेल रहा था और क्रिकेट खेला जा रहा है, सो दिस इज द पैसिव वॉइस। और एक बात ध्यान में रखना है एक्टिव टू पैसिव के लिए, जो टोटल 12 टेंस है उसमें से चार टेंस ऐसे हैं जिसका एक्टिव टू पैसिव नहीं होता है। अभी कौन से फॉलोइंग टेंस एग्जांपल्स डज नॉट हैपन पैसिव वॉइस ऑफ एक्टिव टेंस, यानी कि जो एक्टिव टेंस है एक्टिव वॉइस है उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। इसमें से पहला टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, दूसरा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। यानी कि ये जो चार टेंस है, जैसे कि कंटिन्यूस का फ्यूचर है और बाकी का परफेक्ट कंटिन्यूस, चाहे वो प्रेजेंट हो पास्ट हो या फ्यूचर हो, ऐसे टोटल चार टेंस का एक्टिव टू पैसिव नहीं होता है। सो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग वी शुड बी कीप इट इन माइंड, फॉर पर्सनल प्रोनाउन सेकंड फॉर्म यूज, यानी कि एक्टिव टू पैसिव करने के लिए जो पर्सनल प्रोनाउन है व्यक्तिवाचक सर्वनाम है, उस व्यक्तिवाचक सर्वनाम का सेकंड वर्ब का फॉर्म यूज होता है, जैसे कि आई रहता है तो आई का होता है मी, वी का अस, ही का हिम, शी का हर, दे का देम, यू का यू और इट का इट। ये सिंपल है, ये ध्यान में रखना है। नाउ सी we will see active to passive in four types of examples। इसमें से पहला प्रकार है simple tense, यानी कि simple present, simple past and simple future active to passive। अभी simple tense का जो sentence structure है वो इस प्रकार का रहता है, subject, verb and object। इस पर थोड़ा सा फर्क ध्यान में रखना है, अगर सिंपल पास्ट टेंस हो तो वर्ब इन सेकंड वर्ब, सिंपल फ्यूचर रहता है तो शैल विल के साथ मेन वर्ब रहता है, और प्रेजेंट टेंस रहता है तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, इस प्रकार का वो सेंटेंस रहता है। सो एक्टिव टू पैसिव करने के लिए हमें किस प्रकार का स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है, देखो फॉर पैसिव वाइज पहले सब्जेक्ट राइट, सब्जेक्ट जो था वो
वो यहाँ पर अभी ऑब्जेक्ट लिखना है, यानी कि जो लास्ट में ऑब्जेक्ट रहता है वो ऑब्जेक्ट पैसिव में पहले लिखा जाता है। उसके बाद टू बी, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब है, अभी टू बी फॉर्म ध्यान में रखना है, नीचे दिया है। जो प्रेजेंट टेंस रहता है, अगर एक्टिव वाइज आपको प्रेजेंट टेंस का करना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का करना है, तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट विच इज़ बिकम द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट बनाए अकॉर्डिंग टू दैट सब्जेक्ट वी हैव टू यूज आई एम, इज, आर। पास्ट टेंस रहता है तो वॉज, वेयर। फ्यूचर टेंस रहता है तो विल बी, अदरवाइज शाल बी। अभी विल बी कब यूज़ किया जाता है तो ध्यान में रखना है, यू, ही, शी, इट और दे, और आई और वी रहता है तो शाल बी। उसके बाद वर्ब जो रहता है, जो क्रियापद है, वो क्रियापद का आपको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ करना है, इट मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ अ वर्ब, एंड देन बाय, एंड आफ्टर देन सब्जेक्ट, एंड देन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, डैश 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 दिया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ सी फॉर एग्जांपल, सीता राइट्स अ लेटर। यहाँ पर पहला सेंटेंस देखो, अभी सीता राइट्स अ लेटर, इसमें सीता सब्जेक्ट है, राइट्स वर्ब है, और अ लेटर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सो फॉर पैसिव वाइज वी हैव टू राइट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, दैट इज अ लेटर। अभी उसके आगे टू बी यूज करना है, तो टू बी क्या है, यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है और अ लेटर है। अ लेटर इसका मतलब एक ही है, और इसलिए यहाँ पर यूज किया है इज। बाद में जो वर्ब था राइट्स, वो यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में होता है रिटर्न। उसके बाद एडिशन बाय, एंड देन सब्जेक्ट, प्रॉपर नाउन है इसलिए प्रॉपर नाउन का नाम एज इट इज रहने वाला है, इट विल नेवर चेंज बिकॉज ऑफ प्रॉपर नाउन। अगर यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन होता तो यहाँ पर चेंजेस होते, जैसे कि आई राइट्स अ लेटर रहता तो अ लेटर इज रिटन बाय मी होता, लेकिन प्रॉपर नाउन दिया है इसलिए प्रॉपर नाउन का नाम एज इट इज रहेगा, तो आपका पैसिव वॉइस होगा अ लेटर इज रिटन बाय सीता। नाउ सी द सेकंड एग्जांपल, आई सॉ अ ड्रीम एट नाइट। अभी इसमें सब्जेक्ट जो है वो है आई, वर्ब इज सॉ, अ ड्रीम इट्स एन ऑब्जेक्ट, एट नाइट इट्स अ अननेसेसरी पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो इसमें का जो ऑब्जेक्ट है वो हमें पहले लिखना है, और सेंटेंस जो दिया है वो पास्ट में, तो देखो अ ड्रीम वॉज सीन बाय मी एट नाइट, यानी कि सी मेन वर्ब है, सॉ सेकंड वर्ब है, और सीन थर्ड वर्ब है, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, इसलिए यहाँ पर अ ड्रीम वॉज सीन बाय मी एट नाइट। थर्ड सेंटेंस देखो, द जज विल पनिश द क्रिमिनल। अभी इस सेंटेंस में जो जज है वो सब्जेक्ट है, विल इज इंडिकेट द हेल्पिंग वर्ब विच इज यूज इन फ्यूचर टेंस, पनिश इट्स अ सब्जेक्ट, सॉरी पनिश इट्स अ वर्ब, एंड द क्रिमिनल इट्स एन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है। इट मीन्स पैसिव वाइज जो सेंटेंस होगा वो हमारा स्टार्ट होगा द क्रिमिनल से, और सेंटेंस फ्यूचर है, द क्रिमिनल विल बी, ये अपना टू बी फॉर्म हुआ, सब ऑब्जेक्ट हुआ द क्रिमिनल, टू बी फॉर्म हुआ विल बी, पनिश्ड, अभी ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है पनिश का, पनिश्ड एडिशन बाय, एंड द सब्जेक्ट इज द जज, अगेन प्रॉपर नाउन, और इसलिए अपना एग्जाम्पल होगा, आंसर होगा द क्रिमिनल विल बी पनिश्ड बाय द जज। सो हियर आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स टू यू एज अ एज एन एक्सरसाइज।
He posted the letter the day before. Rahul sells dry fruits. We shall celebrate your birthday. तो ये जो तीन सेंटेंस है या आप कोशिश करो, यानी कि बहुत ही सिंपल है. He posted the letter. ये मेन सब्जेक्ट मेन सेंटेंस है. The day before, the previous day, the last week. This is unnecessary part of the sentence. What is important? He posted the letter. It means he subject a posted verb a the letter object a. यानी कि आपका पैसिव वॉइस का सेंटेंस द लेटर से स्टार्ट होगा. सेंटेंस दिया गया आपको पास्ट टेंस से, तो टू बी जो रहेगा वो वॉज वेयर रहेगा. तो देखो सेंटेंस क्या है. द लेटर वॉज पोस्टेड बाय हिम द डे बिफोर. तो इस प्रकार का आपका है पैसिव वॉइस होगा. सेकंड सेंटेंस में राहुल सब्जेक्ट है, सेल्स वर्ब है और ड्राई फ्रूट्स ऑब्जेक्ट है. और सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट टेंस का है. ऑब्जेक्ट है आपका ड्राई फ्रूट्स. ड्राई फ्रूट्स टू बी जो रहेगा यहाँ पर बहुवचन है ड्राई फ्रूट्स, तो आर रहेगा. ड्राई फ्रूट्स आर वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. सोल्ड ड्राई फ्रूट्स आर सोल्ड बाय राहुल. एंड लास्ट सेंटेंस वी सब्जेक्ट है, शाल हेल्पिंग वर्ब है, सेलिब्रेट वर्ब है एंड योर बर्थडे ऑब्जेक्ट है. योर बर्थडे हेल्पिंग वर्ब अभी यहाँ पर वी था इसलिए शाल यूज़ किया है. और अभी अपना सब्जेक्ट जो है वो हुआ है योर बर्थडे, तो यहाँ पर अपना आएगा हेल्पिंग वर्ब विल. योर बर्थडे विल बी सेलिब्रेटेड. सेलिब्रेट का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म सेलिब्रेटेड. योर बर्थडे विल बी सेलिब्रेटेड बाय अस. सेकंड फॉर्म ऑफ अ पर्सनल प्रोनाउन वी का अस होगा, तो आपका पैसिव वॉइस होगा वी शैल सेलिब्रेट योर बर्थडे. इसका है पैसिव वॉइस योर बर्थडे विल बी सेलिब्रेटेड बाय अस. सो ये आपका एक्टिव का पैसिव वॉइस है सिंपल टेंस का. सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी कंटिन्यूस टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस फॉर एक्टिव टू पैसिव. ओके, थैंक यू.